बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वो दिन होता है जब हम किसी भी फैशन डिज़ाइनर को इनवाइट करते हैं अपने स्टूडियो में और उससे फिर बात करते हैं फैशन के हवाले से। आज भी हमने एक बहुत ज़बरदस्ती पर्सनैलिटी को अपनी स्टूडियो में इनवाइट किया है जो कि बहुत प्यारी सी हैं। और जब मैं मेकअप में थी तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे ये बताया कि भाई वो हैं ही बहुत प्यारी सी तो उनको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए अगर लेट हो भी रही हैं तो कोई मसला नहीं है। तो मैं काफ़ी मुतमईन हो गई, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि वाकई ड्रेस डिज़ाइनर जो हैं ऐसी ही पर्सनैलिटी के मालिक होना चाहिए, सॉफ्ट कूल। और उनके ड्रेस वेयरिंग से भी मुझे लगा कि वाकई ये एक अच्छी पर्सनैलिटी है जो कि ड्रेस डिज़ाइनर नाम की नहीं बल्कि पर्सनैलिटी भी ड्रेस डिज़ाइनर वाली है। तो हमने अपनी स्टूडियो में आज जिस पर्सनैलिटी ड्रेस डिज़ाइनर को इनवाइट किया वो हैं परखा खान। और उनसे आप पहले भी काफ़ी मुख्तलिफ चैनल्स पे मिलते रहे हैं, लेकिन आज टी टाइम शो में ख़ास तौर पर हमने उनको इन्वाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? गुड, थैंक यू सो मच। आपने इतना सब कुछ यू नो यू हैव गिवन इंट्रोडक्शन, दैट वाज टू गुड, थैंक यू। नहीं, यू आर टू गुड, इसलिए इंट्रोडक्शन भी आपका टू गुड। थैंक यू सो मच। अच्छा, पर कब हम लोगों ने एक पैकेज तैयार किया है आपके डिजाइनिंग के हवाले से, अगर आपकी इजाजत है तो वो पैकेज हम पहले देखें। डेफिनेटली। तो फिर पहले एक पैकेज देखते हैं। परखा ने कुछ डिज़ाइंस हैं, परखा के बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइंस हैं, उस हवाले से हम एक पैकेज देखते हैं और फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम आज जो हमारे कॉलर्स हैं उनके लिए हमने जो मौजू रखा है वो ये है कि फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से हमने रखा है कि फैशन क्या होना चाहिए और ये तय कौन करेगा। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए आप हमें कॉल कीजिएगा, लेकिन पहले पैकेज देखते हैं। फैशन की तारीख पर नजर डालें तो पता चलता है कि दुनिया में इंसान की आमद के वक्त से ही फैशन इंसान की जरूरत रहा है। लिबास, जेवरात और जूतों के इंतखाब को फैशन के तौर पर लिया जाता रहा है और मुख्तलिफ अकसाम के बनाव सिंगार अपनाए जाते रहे हैं और ये इर्तकाई अमल आज तक जारी है। मजहब, मौसम और कल्चर, ये वो तीन अनासिर हैं जो फैशन पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं। 19वीं और 20वीं सदी को फैशन के हवाले से इजादात की सदी का लकब भी दिया गया। फैशन के हवाले से नई नई इजादात और इनोवेशन इसी दौर में हुई। मौजूदा दौर में इंटरनेशनल तौर पर सूट और टाई के बाकायदा इस्तेमाल 19वीं सदी में शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ अब ये फैशन बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर चुका है। आपने देखा कि कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, मुख्तलिफ डिज़ाइन थे और कुछ फैशन शो के क्लिप्स भी थे। और परखा खान ने इनके क्रेडिट पे सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि शी वॉज दी यंगेस्ट वन और इन्होंने फैशन शो खुद ऑर्गेनाइज किया और उस फैशन शो की कामयाबी देखिए ज़रा कि इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई तो वो कौन पर्सनैलिटीज़ थी और कामयाब बनाने में किन लोगों ने अहम किरदार अदा किया, ये हम परखा से इनकी ज़बानी सुनते हैं। पर क्या ये जो फैशन शो आपने डिज़ाइन किया था, जो किया इतना ऑर्गेनाइज किया, इतना बड़ा फैशन शो और इतनी यंग एज में, और यू वर द यंगेस्ट वन जिसने फर्स्ट टाइम, इट्स कॉल्ड मेहंदी एक्स्ट्रावेगांजा। और ये जो फैशन शो था एक थीम बेस्ड फैशन शो था जिसके अंदर हमने सारे मेहंदी के ऊपर फोकस किया हुआ था अपने डिज़ाइनर्स के जितने भी कपड़े थे एंड ऑल दिस। सो बेसिकली वी हैड 8 डिज़ाइनर्स थे मेरे साथ और एवरीबडी इक्वली पार्टिसिपेटेड। आई वॉज दी ऑर्गेनाइजर, हमारे साथ मिस्टर यूसुफ बशीर जो है उन्होंने क्लोजिंग किया था शो को। वी हैड आई फैशन, वी हैड लॉट ऑफ टी वी चैनल्स विद, आई मीन लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स विद अस। तो इट वॉज अ वेरी गुड शो, हम लोगों का बहुत ग्रैंड एक हो गया था, हमने उसमें कथक परफॉर्मेंसेज और बहुत एथनिक टच देने के लिए वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल इन इट। जावेद शेख साहब केम इन, भैरव सब्जवारी साहब, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मीडिया पर्सनल्स, डिजाइनर्स खुद आए थे अप्रिशिएट करने, लाइक वजाहत मंसूर, एंड देयर वाज दिस अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स, उस्मान दितू आए थे, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो आए उन्होंने अप्रिशिएट किया। और डेफिनेटली कुछ यू नो हुआ भी था, गलतियाँ एंड स्टफ, बट टेक्निकल इशूज थे, बट दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज सब ने अप्रिशिएट किया ज़्यादा, एंड आई थिंक ओवरऑल इट वॉज अ बिग सक्सेस जिसके लिए इट्स बीन फेब्रुअरी में था, एंड इवन नाउ मुझे आई गेट कॉल्स कि आपका नेक्स्ट शो कब है एंड स्टफ, सो इट वॉज अ वेरी गुड हिट आई थिंक। तो परखा, इंस्पिरेशन किससे मिली ये फैशन डिज़ाइनर बनने की और इतना सारा कुछ करने की? आई थिंक इट वॉज ऑलवेज इन मी एंड इंस्पिरेशन, तो इन अ वे दैट माई मॉम, शी वेयर्स रियली नाइस क्लोथ्स एंड यू नो स्टफ़,
बट अगर हम लोग बहुत प्रोफेशनली इंस्पिरेशन को लें सो आई थिंक आई जस्ट मुझे करना था तो मैंने आई वॉज लाइक वाई नॉट डिज़ाइनिंग. और हमेशा से मेरा एक अपना ट्रेंड है टू वेयर क्लोथ्स एंड आई बिलीव के वही चीज़ मुझे बस लानी थी फॉर माई. अच्छा, वही करनी थी. Exactly. और खासकर किस उसको आपने ज़्यादा टारगेट ऑडियंस बनाया? अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था इंटरनेशनली. अच्छा. और मुझे अभी फेब्रुअरी में मैंने लॉन्च किया था पाकिस्तान के अंदर. अदरवाइज लास्ट 3 इयर्स से इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड. कैनेडा, अमेरिका, दुबई, एवरीवेयर, इट्स ऑल वेयर, हर जगह पर है. मैंने अभी जो स्टूडियो अपना किया दैट्स द फर्स्ट टाइम के पाकिस्तान में किया. अच्छा, तो स्टफ कौन सा ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ? मैं अब कैजुअल्स काफ़ी कर रही थी बिकॉज समर्स भी हैं और हम लोग के पास ब्राइडल भी होता है, सेमी फॉर्मल, वी हैव एवरीथिंग. हम लोग वी आर केटरिंग फ्रॉम कैजुअल टू ब्राइडल वेयर. और वो नहीं सोचा जो हर डिज़ाइनर आजकल सोच रहा है कि लॉन पे डिजाइनिंग कर दी जाए? नहीं नहीं, इट्स सो मच. मैं प्लेन ले रही हूँ आजकल. मेरा समर कलेक्शन अभी एग्जीबिशन हुआ था, इट वॉज रियली नाइस माशाल्लाह. एंड आई एम वर्किंग ऑन वेरी डिफरेंट साइड ऑफ द यू नो डिजाइनिंग. समर के लिए कूलर कलर्स और लिलन एंड बॉस्की लिलन जो अभी भी बहुत चल रहा है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नाउअडेज. और इसके लिए बाकायदा कोई आपने ट्रेनिंग ली कोई इंस्टीट्यूट से? मैं इंडस वैली में थी, मैं फाउंडेशन ईयर किया. फाउंडेशन ईयर कवर्स एवरीथिंग, आपके टेक्सटाइल के भी, आर्किटेक्चर, सारे स्टूडेंट्स आर एवरीवेयर इन द सेम प्लेस. सो वहीं से आ गया एंड आई थिंक आई हैड दिस इन मी माई सेल्फ. सो बस चलते गए एंड इट वेंट रियली वेल माशाल्लाह. हमारे साथ एक कॉलर, उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है हमारे साथ? अभी मैं नादिया बोल रही हूँ, पहचाना? अरे नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से नादिया सब बहुत अच्छा चल रहा है. ये बताइए कि आज आप प्रोग्राम देख रही हैं, परका खान हमारे साथ हैं, डिजाइनर हैं. मैं तो हैरान हो गई आपको देख के. मैं तो जबरदस्त की वो फैन थी, लेकिन ये प्रोग्राम मैंने फर्स्ट टाइम देखा आपका. मैं आज ही आई हूँ पंजाब. अच्छा. मैं आज ही आई हूँ, मैं चली गई थी अमेरिका. अमेरिका चली गई थी तो वहाँ कुछ स्टडी के बारे में चली गई थी वहाँ पे. अच्छा, तो अब वापस आई हूँ तो मैं आपको देख के हैरान परेशान. मैंने कहा कि आपकी नई लुक है और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ग्रेसफुल लग रही है. अच्छा, बस आप लोगों की मोहब्बत है नादिया, वरना तो कुछ भी नहीं. सच्ची मैं तो हैरान हो रही, मैं तो आपको देख देख के मैं परेशान हूँ. पता नहीं मेरी कान लगेगी नहीं लगेगी. मैं तो वहाँ भी आपको बहुत मिस किया मैंने आपको. अरे फेसबुक पे मैसेज छोड़ देती मेरे लिए, मेरा नाम टाइप करके. अच्छा, आप ही मैंने इनसे बात करनी थी जरूर. बात कीजिए, इसके हवाले से बता दे कि कॉटन में या कलर कौन सा ग्रेसफुल रहेगा, मतलब ठंडा कौन सा रहेगा, अच्छा सा कोई कलर बता दे जो अमेरिका में भी चाह जाए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मैंने फिर जाना है. अच्छा, नेक्स्ट ईयर यानी कि? हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट ईयर जा रही है. यहाँ पे आई थी शादी के लिए सिस्टर जी. अच्छा ठीक है, वो आप ही की दुआ से तो हुई थी, आप जानती है ना सब. बिल्कुल 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 नादिया, मुझे अच्छी तरह याद है. अल्लाह ताला बस उनको बहुत खुश रखे और आप भी बहुत खुश रहें और हम लोगों को दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. प्रोग्राम देखिए तो आपको, लेकिन परका हम यहाँ पर ले जा रहे हैं एक ब्रेक. Sure. और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आप इनको बताइएगा कि अमेरिका के लिहाज से वहाँ की जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है, उसको सामने रखते हुए कि किस तरह का स्टफ और किस तरह के कलर्स इनको वहाँ लेके जाना चाहिए अपने साथ. ठीक है, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा. वेलकम बैक टू द शो. और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त नादिया, जो कि हमारी काफ़ी अच्छी कॉलर हैं और बहुत मोहब्बत से हमें कॉल करती हैं, उन्होंने कॉल की थी नादिया ने. तो उन्होंने पूछा था वही कि अमेरिका जाएंगी वो, हाँ कौन से कलर्स और स्टफ कैसा लेके जाए. आई थिंक उनको कैजुअल वेयर बहुत होता है और एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे आयरनिंग का. तो वहाँ पे मेरे तो जितने क्लाइंट्स थे कीप कॉलिंग मी के प्लीज हमें रिंकल फ्री कपड़ा दें. तो एक जॉर्जेट आता है, जॉर्जेट शिफॉन के बीच का दिस कपड़ा विच हैज एम्ब्रॉयडरी ऑन इट या लाइटर, मैं समझती हूँ दैट शी शुड टेक दैट. वो बहुत ईजी है, हैंडी है, वॉशेबल है और आयरन का कोई मसला नहीं होता, द बिगेस्ट थिंग. लेकिन अगर उनको लॉन लेके जाना है तो आई थिंक शी शुड टेक मोर ऑफ द प्लेनर स्टफ, प्लेन कपड़ा लेके जाए. और मैंगो ग्रीन ब्राइट कलर्स आर ऑलवेज इन और वो बहुत अच्छे भी लगते हैं. ऑल्दो गर्मी में आपको इट गिव्स अ वेरी गुड एंड फ्रेश इफेक्ट टू योरसेल्फ पर्सनली. और अगर जैसे वो बिजनेस के लिहाज से लेके जाएंगे, कॉर्पोरेट कलर्स वुड बी इंक ब्लू हो सकता है, रॉयल ब्लू, टर्कोइज एंड देन बिल्कुल प्लेन. उसके तो आपके कॉलर्स यू नो यू हैव टू हैव अ वेरी कॉर्पोरेट होने चाहिए, थोड़े से पिंटेक्स प्लीट्स का काम हुआ हुआ है. लेकिन अगर कैजुअल वेयर के लिए चाहिए तो शी शुड हैव ब्राइटर क्लोथ्स
और प्रिंटेड थोड़ा सा कहीं पे काम हुआ वो एंड स्टफ लाइक दैट. वो शी कैन ऑल्सो फॉर डिज़ाइन वो देख सकती हैं ऑन माय फेसबुक इट्स ड्यू ड्रॉप्स कोटियोर. तो वहाँ से भी वो आइडिया लेकर अपने ऊपर एम्प्लाई कर सकती हैं. क्या बात है, ये तो आपने बड़ी प्यारी बात की है कि फेसबुक पे देख के और आपके डिजाइन कॉपी कर सकती हैं. आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़, क्योंकि मेरा मैंने जो बताया मेरा यूजुअली सब कुछ इंटरनेशनल है, तो मैं जो काम करती हूँ कनाडा इन यूएसए, सो आई नो दैट व्हाट दे वांट एंड आई थिंक पर्सनली कि कपड़ा के बहुत रिंकल्स का इशू नहीं हो. ये बताइए कि यहाँ यहाँ के लिए कुछ डिजाइन क्यों नहीं करती हैं आप, कह रही हैं इंटरनेशनली करती हैं ना? नाउ आई हैव आई हैव स्टार्टेड आई हैव गॉट माय पर्सनल स्टूडियो जो सिर्फ अपॉइंटमेंट्स पे पीपल कम टू मी. अच्छा. एंड आई डू डिजाइन. और वो जो आप कह रही कि ब्राइडल्स का करती हैं, तो ब्राइडल का भी आप सब कुछ ऑन अपॉइंटमेंट मेक टू ऑर्डर कस्टम ऑर्डर्स होते हैं वो देखते हैं अगर उनकी वी हैव अ डिटेल्ड उनके साथ मीटिंग्स होती हैं व्हाट डू दे लाइक व्हाट कलर्स दे लाइक. अभी मैंने दो एंगेजमेंट पैकेजेस किए दे वर ब्रिलियंट सो यू नो एंड देन आई डिड अ मेहंदी आउटफिट आल्सो. तो इट्स ऑलवेज ऑन पर्सनल चॉइस पे होता है उनके. अच्छा, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन किससे मिला जब आपने ये काम शुरू किया? तो होता है ना कि भाई ये क्या काम कर रहे हो, छोड़ो ये कोई काम है इसमें खाम खाम का दिमाग खोल रहे हो. आई हैड माय फैमिली सपोर्ट 100% और फ्रेंड्स भी एंड फैमिली वाज द बेसिक सपोर्ट थी मेरी. बट उसके बाद अगर आप क्लाइंट्स की तरफ आती हैं तो मुझे इट्स बीन अप्रिसिएशन इसीलिए क्योंकि देखिए डिज़ाइनर बनना आई थिंक हर दूसरा बंदा आजकल यू नो दैट वी आर डिज़ाइनर बट उसको मेंटेन करना लेकर चलना दैट्स द मेन जो अच्छी बड़ी चीज़ होती है. तो आई थिंक उस तरह से मेरा अच्छा जा रहा है एंड माई क्लाइंट्स वो ऑलवेज दे कम बैक टू मी. जो एक दफ़ा मेरी चीज़ें लेते हैं पहनते हैं कट्स फील करते हैं दे डेफिनेटली कम बैक टू मी. अच्छा, तो और किस रेंज के आपके पास ज़्यादातर ड्रेसेस होते हैं? मेरे कैजुअल वेरी मतलब मेरा हमेशा बजट के ऊपर भी होता है एंड देर ऑलवेज माई कुर्ता रेंज इज़ फ्राम 3000 ऑनवर्ड्स जाते हैं. फॉर्मल्स मेरे 10,000-15 एंड दे गो ऑन. अच्छा, सही. तो उसके लिए तो फिर मेरे ख्याल से कि एक मखसूस क्लास ही आपके पास आती होगी अगर इस मेरे बहुत सारे आपके मीडिया के लोग आते हैं दे वांट दोस कॉर्पोरेट आउटफिट्स एंड एवरीथिंग बट नहीं इट्स नॉट दैट आई डू मेक बजट. लेट्स से अगर किसी को बहुत एक चीज़ पसंद आ रही है और उनके बजट से बाहर जा रहे हैं तो हम लोग वी सिट डाउन और हम उसमें थोड़ी सी क्रॉपिंग करा के एंड वी आस्क देम व्हाट डू दे वांट तो वी फिक्स इट इन द बजट. अच्छा, ये भी होता है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है क्योंकि वो जब बजट में आ जाता है लेकिन क्वालिटी इफेक्ट नहीं करती जब हम बजट रिड्यूस करते हैं? नहीं, हम लोग एम्ब्रॉयडर्ड जो स्टफ होता है उसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं, चीजें निकाल देते हैं. क्वालिटी आई डोंट कॉम्प्रोमाइज. तो क्या फिर वो डिजाइन वो उतना अट्रैक्टिव बन जाता है? तो वो उनको पता होता है. आई मीन जो हम मीटिंग करते हैं उसमें पूरा मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये चीज इतनी क्रॉप हो रही है यहाँ से और वो जब पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं देन वी गो ऑन विद द ऑर्डर. यूजुअली उनको दे उनको चीज इतनी पसंद आ रही होती है वो समहाउ अपना बजट खींचता है उनके उसको वो कर लेते हैं वो भी एडजस्ट कर लेते हैं और आप भी मैक्सिमम एडजस्टमेंट की तरफ आ जाती हैं. तो परखा ये बताइए कि कभी सोचा कि यहाँ पर कोई बड़ा आउटलेट खोलें आप? नॉट येट. अब तो मल्टी ब्रांड स्टोर्स इतने हो गए हैं स्टफ लेकिन आउटलेट का आई थिंक मैं इतना ऑक्यूपाइड हूँ इवन नाउ दैट आई डोंट गेट टाइम कि अपने स्टूडियो में आई सी दी अपॉइंटमेंट्स माशाल्लाह. लाइक आई हैव गॉट अभी लास्ट मेरा जब एग्जीबिशन हुआ था जितने भी लोग अभी पाकिस्तान क्योंकि समर्स की वजह से कुछ ऑफ था शादियों के सीज़न में विजिट कर रहे थे मोस्ट ऑफ देम केम. सो आई डोंट गेट द टाइम आई थिंक वो मैं इट्स गोइंग टू बी वेरी मच आउट ऑफ माय वे एंड आई हैव अ स्टूडियो मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं सो आई थिंक ये ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है. आप लोगों को फिर दोबारा याद दिला दूं कि फैशन कैसा होना चाहिए और ये कौन तय करेगा, ये सवाल है जिसका जवाब देने के लिए आप कॉल कीजिए और आपके मॉनिटर्स पे आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा हमारा नंबर और नंबर है बड़ा ही आसान सा, उस पर आप फ़ोन कॉल करेंगे तो हमारी आपसे हो जाएगी बात ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हैं और वाकई फ़ैशन होना क्या चाहिए. और बात तो का सिलसिला फिर आपकी तरफ बढ़ाती हूँ. अच्छा, आप क्या समझती हैं कि एक पाकिस्तानी औरत के लिए डिज़ाइन कैसे होने चाहिए, क्या उसकी डिग्निटी उसके वो कहते हैं ना कि एक मशरकियत को भी बरकरार रखा जाए तो कैसे उनके स्टाइल्स होने चाहिए? पर्सनली आई लाइक वेरी मुझे बहुत ज़्यादा कम कपड़े आई डोंट लाइक इट पर्सनली जो एक होता है. ऑफकोर्स कोई भी डिज़ाइनर होता है बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्लाइंट्स को देख कर काम करते हैं. आई ऑल्सो डू दैट डिपेंड करता है मेरे पास क्लाइंट किस तरह के आ रहे हैं. अगर उनको ऑफ शोल्डर्स चाहिए आई डू दैट बैकलेस स्लीवलेस बट
जो पर्सनली आई मेक, मेरे डिजाइन यूजुअली बहुत डिसेंसी के अंदर होते हैं, बहुत सारे खवातीन हमारे यहाँ आपको पता है, बट ये होता है कि मेरे क्रॉप हो सकता है बाद में चीजें, अगर कोई मेरे पास लेट्स से आती हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको स्लीवलेस चाहिए किसी तकरीब के लिए या कुछ भी, तो वी क्रॉप दैट, लेकिन मेरे कपड़े यूजुअली जो स्टैंड करते हैं देयर ऐसे होते हैं कि एनीबॉडी कैन पिक इट अप, किसी भी एज के लोग आते हैं, फिर लड़कियां होती हैं उनको गर्मियां भी हैं, दे वांट टू हैव बगैर स्लीव्स के, व्हिच इज वो सब कुछ डूएबल होता है, यानी कि यू कैन मेक इट अकॉर्डिंग टू योर साइज एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जैक्टली, उनके जिस तरह के चॉइसेस होते हैं, बट आई हैव एवरीथिंग अवेलेबल विद मी। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मुझे बार बार कहा जा रहा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो लगा देते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और कहीं ना जाइए प्रोग्राम में टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो, और हमारे साथ एक कॉलर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप हो चुकी है, तो वो हमारी जो भी प्यारी सी कॉलर है वो दोबारा ट्राई करें और हमें खुशी होगी कि अगर उनके कॉल मिल जाए और हमारी उनसे बात हो जाए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम अट्रैक्टिव बनेगा उनकी कॉल के जरिए ही, बल्कि आप तमाम लोगों की कॉल के जरिए ही। तो हम नंबर मुस्तकिल ऑन एंड ऑफ जो है डिस्प्ले हो रहा है, उसको देखिए, नोट कीजिए और उस पर हमसे कॉल कीजिए और बात कीजिए और बताइए कि फैशन जो है वो कैसा होना चाहिए और ये कौन तय करेगा कि फैशन होना कैसा चाहिए। कॉलर आ चुकी है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं सबीना बात कर रही हूँ कराची से। समीना? सबीना। सबीना, सबीना आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम देख रही हैं, हमारे साथ हैं परखा खान, तो आप क्या समझती हैं कि फैशन कैसा होना चाहिए और ये कौन तय करेगा कि फैशन होना क्या चाहिए? फैशन वो होना चाहिए जो आप पे सूट करे। अच्छा, और फैशन तय करने का सबसे ज्यादा हक आप ही को होना चाहिए, क्योंकि आप मिरर में देख रहे होते हो कि आप कैसे लग रहे हो। बिल्कुल ठीक है, तो आपको खुद ही तय करना चाहिए। आप आइडियाज भले दूसरों से ले लो, लेकिन खुद अपने आप को, बंदा हर बंदा अपने आप को ज्यादा पहचानता है। यानी कि कहते हैं ना कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक इनसे परखा से पूछना चाहूंगी कि इनकी बहुत अच्छी डिजाइनिंग है, तो इन्होंने कहाँ से सीखा है, मतलब कहाँ? अच्छा ठीक है, सही है सबीना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। अभी एक दफा फिर पूछ लेते हैं, वैसे परखा शुरू में आपने बताया था कि इंडस वैली से आपने डिजाइनिंग का मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं फाउंडेशन ईयर किया, आई वाज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, और आर्किटेक्चर से मैंने एक बहुत बड़ी जंप मारी टुवर्ड्स फैशन। सो आई थिंक डिजाइनिंग आपके एवरी पर्सन हैज इट उनके अंदर, आप इंटीरियर डेकोरेटर, आप डिजाइनर, स्पेशली लड़कियाँ खवातीन हमारी वो खुद से होती हैं, इस जस्ट आप उसको पॉलिश करके बाहर कैसे लेकर आते हैं। आई थिंक माई फर्स्ट ईयर हैज़ रियली हेल्प मी इन दैट, मेरे फाउंडेशन कोर्सेज ने और सब कुछ, तो आई बिलीव ये हमेशा एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है, इन बिल्ट होता है, क्योंकि हम लोग फैमिलीज में शुरू से एक वो साइकी बिल्डअप होती है ना कि खाना पकाना और कपड़ों का और गुड़िया गुड्डों के छोटे छोटे कपड़े सीना ये वो एंड ऑल दैट, ये एक इन बिल्ट है। एंड मेरे लिए तो इट्स ऑलवेज बीन बिकॉज मैं आई बीन सीइंग माय मदर एंड यू नो ऑल अराउंड मी पीपल ड्रेस्ड अप, सो बस इट जस्ट हैपेंड। और जैसे मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर से लेकर फैशन तक, आर्किटेक्चर भी एक डिजाइनर है, वो इंटीरियर भी है, लाइक यू नो आई कुड बी इंटीरियर डिजाइनर too, because ये आपके, I'm telling you, in a person. कि आप पहले तो architecture पढ़ती नहीं और jump मार के इधर आ गईं? I thought कि मुझे textile, clothes, colors was the main thing जो मुझे attract करता, आप मेरे कोई भी कपड़े designs देखें, everything has colors, तो मैंने जो fashion show भी किया वो मेहंदी के उस पर किया, क्योंकि colors थे उसके अंदर, vibrant colors, I just you know something that I love it, और मैं उसमें बहुत अच्छे contrast करके I bring them up. तो इसी तरह। अच्छा, कहा यह जाता है कि जो भी लोग फैशन डिजाइनिंग पढ़ने जा रहे होते हैं या फैशन डिजाइनर बनने जा रहे होते हैं या उसको एज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए काफी अमाउंट काफी चाहिए होता है, फाइनेंस मैटर्स, आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है डेफिनेटली अपने कलेक्शन बिल्ड करने के लिए, यू नीड गुड, लेकिन इट अगेन डिपेंड्स, आप यू कैन मेक योर ओन वार्डरोब इतना आप अच्छा बनाए जो आप पर्सनली बनाते हैं, यू पुट दैट ऑन, यू नो लोग, आई थिंक येस इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपको प्रोफेशनली चाहिए होता है, बट अगर आप बहुत छोटे उस पर कर रहे हैं स्केल के ऊपर, तो आई थिंक यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन स्टफ और उसको फिर आप लेकर आओगे। तो अब जैसे आप स्टफ की बात करिए ना,
आप स्टफ क्या ऐसी मार्केट में निकल गई जो अच्छा लगा उसे परचेज कर लिया या मैंने बनवाया? अच्छा, मैंने फर्स्ट एग्जैक्टली मैं बताया ना आपको, मैंने सब इंटरनेशनली स्टार्ट किया था. मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट है कनाडा में, मेरा फर्स्ट माशाल्लाह से माय फर्स्ट ऑर्डर वाज ऑफ 200 आउटफिट्स, उनकी वहाँ पे बुटीक थी. तो मैंने उसी में बहुत एक्सप्लोर कर लिया. मैं जब उनको छोटी छोटी करके शिपमेंट्स भेजती रही, मुझे वहाँ की नीड का पता चला मौसम के लिहाज से. एंड तो मेरा तो काम इट वॉज वेरी डिफरेंट देन एनी अदर नॉर्मल डिजाइनर. और जब मैं 3 years पहले स्टार्ट किया था, आई वॉज द यंगेस्ट ऑनलाइन गुड सेलिंग डिजाइनर. जो मेरा ड्यू ड्रॉप से वॉज वेरी गुड देन. फिर जब मैंने फैशन शो किया, देन अगेन इट वॉज वेरी न्यू एंड वेरी फ्रेश. बिकॉज कहने में और सोचने में चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, जब आप प्रैक्टिकली करते हैं इट्स वेरी डिफरेंट. और अपने आप अपने तजुर्बात से ही सीखा. और मैंने एक यू नो हर चीज़ बहुत बड़े स्केल पे अभी तक जितना किया आई हैव डन इट. लाइक द शो वाज अ वेरी बिग शो. आप देखें आई हैड 20 मॉडल्स. आई हैड मोना जे ने मेकअप किया हमारा एंड वी हैड इट वाज अ बिग शो. और आर्ट डिज़ाइनर्स को अपने साथ लेकर चलना, ये सब कुछ करना, बीच में परफॉर्मेंसेस डालना, और जिस तरह मैं बता रही हूँ उसके बाद शो ऑर्गेनाइज करना क्या बहुत एक्सपेंसिव चीज होती है, बहुत वेरी एक्सपेंसिव जॉब होती है. मैंने बगैर किसी स्पॉन्सर के किया. आई स्पॉन्सर्ड माय शो एंड हम लोग का बस मुझे एक एक्सपीरियंस था, एक फैशन शो था कि व्हाई नॉट एक डिफरेंट हम करें. और बहुत मुझे अच्छा उस फैशन शो से, जब वो फैशन शो आपने किया तो उसके बाद आपको बिजनेस में फायदा हुआ? एक्चुअली इट वाज पर्सनल सेटिस्फैक्शन मोर देन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज मुझे लाना था, आई हैड टू ब्रिंग माय ओन जो आई कुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एनी अदर, लेकिन मुझे हर चीज अपने वे में चाहिए थी. अच्छा, लेकिन कहते हैं कि बल्कि देखने में भी ये आता है कि जब हम फैशन शो देखते हैं, इवन टीवी पे भी देखते हैं, तो वो डिजाइन होते हैं, वो स्टाइल्स होते हैं जो नॉर्मली हम पार्टीज में या अपने घरों में नहीं पहनते. नहीं, उसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर आप कोई लॉन आजकल किसी डिजाइनर की देखें और जब उसकी पिक्चर आप देखें, वो सब चीजें वही यूज होती हैं जो हमारे पास दुपट्टा, सलवार और कमीज होता है. वो डिजाइनिंग स्टाइल होता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. तो अगर आप किसी फैशन शो में भी देखते हैं जो आप कहते हैं हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, वो आपको प्रिंट दिखा रहे होते हैं या कट दिखा रहे होते हैं. अगर वो बहुत शॉर्ट है, उसके नीचे डेफिनेटली कोई टाइट्स आएंगे. तो आई थिंक जो भी डिजाइनर रैंप पे चीज दिखाता है, दैट्स to attract the client and to show their designing. It doesn't mean कि आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप उसको नॉर्मल लाइफ में पहन के चलें. वो एक स्किल्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं जो हम आपको अट्रैक्ट करने के लिए बना रहे होते हैं यूजुअली. अच्छा, और उसको फिर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई. अब आप देखें ना, मतलब आई डोंट वांट टू नेम द लॉन्स, बट जिसमें है उन्होंने बिल्कुल स्पैगेटी बनाकर दुपट्टे को शर्ट की जगह यूज किया हुआ है, शर्ट को पैंट्स में यूज किया हुआ है. अब वो डिपेंड करता है, अगर आप का इस तरह का है सर्कल तो आप उसी चीज को बनाएं, अगर नहीं तो आप उसको सलवार कमीज और दुपट्टा. वो तो ना डिफरेंट लुक देने के लिए फायदा नहीं होगा अगर वही सलवार कमीज दुपट्टा बना के डिस्प्ले पे रखें, तो दैट गिव्स अ बिट बोरिंग लुक. तो ये मेन कॉन्सेप्ट. अब जैसे ये आपने जो अभी इस वक्त आउटफिट वेयर किया हुआ है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? ओके, इट्स गोइंग टू बी समवेयर इन 5+ होगा. अच्छा, तो इसका मतलब ये तो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि जो डिजाइनिंग है, जो स्टाइल है, मैं एक अंदाजा करना चाह रही थी आपकी बातों से. ये मैंने आपके शो पे 5+ इज या आई एम टेलिंग यू इट्स ऑलवेज. मतलब ये ऐसे ही आपने कह दिया? नहीं, इट्स नहीं, इट्स नॉट दैट. अब इट रियली डिपेंड्स. मैंने 5+ का, आई डिडंट से 5, क्योंकि हां 5+ तो वैसे भी परखा, अगर हम बाजार जाते हैं, स्टफ खरीदते हैं और जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, चीजों को डिजाइन करते हैं और फिर टेलर्स के साथ. मैंने लास्ट आपको इसी शो पर मैंने यही चीज कही थी कि अगर आप कोई बाहर जाके जोड़ा लेते हैं, वो आप जब खुद भी परचेज करते हैं, वो उतना ही हो जाता है, 4,000-5,000. यू नो द स्टिचिंग आवर डेज. मैं तो आई हैव माई ओन वर्कशॉप, लेकिन सम वॉट मैं यस्टरडे मैं गई और मैंने जनरली पूछा हाउ मच स्टिचिंग. तो जितने का आपका सूट होता है, उतने की तो आप स्टिचिंग पे कर रहे हैं. बिल्कुल, उन्होंने डिजाइनर्स पे बड़ी थप्पा लगा दिया कि डिजाइनर्स महंगे होते हैं. वो मुंह मांगी लेते हैं पैसे के, जी इतना है तो ये डिजाइन ऐसा है, आपने ये ऐसी लाइन लगाई है तो इसका इतना. खुदा ना खास्ता आप ले जाएं जी परखा खान का डिजाइन, तो वो उस टेलर ने देखते ही बोलना है कि जी इसकी तो स्टिचिंग बहुत महंगी होगी. नहीं, परखा खान तो मैंने एक कह दिया किसी भी डिजाइनर की आप ले जाएं, तो वो बस उसने देखते ही वो देखते ही उसका रेप्लिका है. हाँ, वो उसकी फौरन प्राइस बढ़ा देगा. तो खामखा इतनी दिमाग खोरी करने से बेहतर है कि फिर वो जाके डिजाइनर्स खरीद लिया जाए. यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत ही थोड़ा मुख्तसर से टाइम रह जाएगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी. अगर आप फोन कॉल करना चाहें तो नंबर देखिए और उस पर फोन कॉल कीजिए और हमें बताइए कि फैशन कैसा होना चाहिए और ये कौन तय करेगा कि फैशन ऐसा होना चाहिए. कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम.
और अब हम वो व्यूज़ आपको सुनवाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जो कि हमारे मुख्तलिफ लोगों ने दिए हैं कि जी फैशन कैसा होना चाहिए, ये कौन तय करेगा कि फैशन क्या होना चाहिए, या फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, आइए पहले वो सुनते हैं। हमारे दौर में वो चीज़ अच्छी थी, अब ये इस दौर में बच्चियों के लिए अच्छी है। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? हम तो अनब्रांडेड पहनते हैं, ब्रांडेड हम नहीं लेते। मीडियम क्लास लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते। डिज़ाइन का, मेनली डिज़ाइन का फर्क है। बंदा तो नहीं कर सकता है, जिनके पास है वही कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि एवरीवन कैन अफोर्ड इट, आई थिंक ओनली द अपर क्लास कैन अफोर्ड इट। आज की अच्छी है पर महंगी भी बहुत है, एक्सपेंसिव चीज़ है, अफोर्ड नहीं कर सकता कोई आम नहीं। पहले के ज़माने के लिहाज से आजकल के ज़्यादा ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ब्रांडेड नहीं पहनते, हम जो है वो मिडिल क्लास लोग जो हैं वो ज़्यादा डिज़ाइनर वेयर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वो सारी बातें जो हमारे ख्याल आते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा हमारे अंदर का डर भी होता है कि जी हम जाएंगे किसी आउटलेट पे तो पता नहीं कितना महंगा होगा, हालांकि ऐसा बात होती नहीं है कि जी बहुत महंगा हो। होता ये है कि अगर हम बैठ के थोड़े से ठंडे दिल से सोच लें ना कि जी इतनी की हमने ड्रेस ख़रीदी है और फिर उसकी स्टिचिंग है, फिर जाना आना और उसके मटेरियल और फलां फलां फलां, तो फिर होता क्या है कि ऑलमोस्ट तकरीबन उतने ही रेंज में सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट डिपेंड ये करता है कि आप जा कहाँ रहे, पहनना क्या चाहते हैं, किस तरह के आप फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं। तो परका, आपने सुना जैसे कि मुख्तलिफ लोगों की एक अंदर का, मैं कहती हूँ ये खौफ है कि जी नहीं हम नहीं जा सकते। This time check is brought to you by Veeves Combo. Beautify my life. Upright freezer and fridge together. दूसरे साइड पे उतारिक रोड के साइड पे एक जो एम्ब्रॉयडर्ड जोड़ा होता है, दैट इज़ ऑल्सो 5000 प्लस। मैंने देखा 8000-9000 अनस्टिच, और वो जितने लोग ऑन एयर कह रहे हैं कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, सब खरीद रहे होते हैं। डेफिनेटली आई हैव सीन देम बाइंग। सो आपको जो डिज़ाइनर दे रहा है वो बहुत एलिगेंट होता है, आई थिंक वो टेस्ट की बात आ जाती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि बहुत जितना भरा हुआ है उतना महंगा होना चाहिए, और जितना सिंपल है उतना सस्ता होना चाहिए, इसमें तो काम ही नहीं है। उसमें डिज़ाइनर का काम याद होता है, वो कट्स देख रहा होता है, उसकी स्टाइलिंग होती है, स्टिचिंग होती है, और आप यू हैव एन आइडिया जब आप पहनती हैं डिज़ाइनर क्लोथ, उसकी अलग एक बात होती है। एक दर्जी की जो बने हुए नॉर्मल कपड़े होते हैं वो अलग होता है, तो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और यहाँ पर मैटर करता है डिज़ाइनर वेयर और नॉर्मल वेयर। और जो ये बात कर रही हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होता है अपर क्लास जाती है, तो आई डोंट थिंक दैट वे एट ऑल। कॉस्ट जो आप कह रही हैं, डेफिनेटली फ्यूल होता है, उनका भी उतना ही लगता होगा। डिज़ाइनर्स डेफिनेटली जब इतनी बड़ी बुटीक्स ऑन करते हैं, उनके अपने कॉस्ट कटिंग होती है, तो इट्स नॉट दैट वो उतना ही होता है, डिफरेंट भी होती है चीज़, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। जो आप खुद बनाते हैं, आप एक कॉमन चीज़ लेते हैं, डिज़ाइनर आपको बिल्कुल अलग देता है एंड वो उसकी पे लेता है। बट देन अगेन हर तरह के डिज़ाइनर्स हैं, वो डिपेंड करता है वो कौन सी क्लास के डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दिल पे ना लें इन लोगों की बातें। मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ लोगों को, बिल्कुल सही है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह का इट्स नॉट लाइक। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई मैं आपसे काफी हद तक इस बात पे अग्री करती हूँ कि आप सही कह रही हैं। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? इरज बात कर रही हूँ मैं। इरज जी, इरज आप खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम देख रही हैं? जी बिल्कुल। परका खान हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? आई रिसेंटली बिकेम परका क्लाइंट, अभी नॉट इवन अ मंथ, और अपार्ट फ्रॉम दी ड्रेसेस, परका हरसेल्फ इज अ रियली नाइस पर्सन। शी इज फ्रेंडली, शी इज जॉली, अबव ऑल शी हैज अ रियली ब्यूटीफुल फेस। She is really cute, really, she looks exactly like my sister, so I kind of like her more. और परखा के ड्रेसेस आर रियली रीजनेबल, और साइज डिजाइन एवरीथिंग इज रियली नाइस। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग हर सो मच गुड कॉम्प्लीमेंट्स एंड बड़ा अच्छा फीडबैक है। And it really meant a lot for me. And I didn't know you were watching this, but thanks a lot. Yes, she's a very recent client jo aayi mere paas, aur inke zyadatar kapde she likes to wear funky clothes, and you know she's always telling me ki mujhe meri behan ko funky chahiye aur mujhe aur zyada funky chahiye, and then she wants to try different cuts, and I enjoy making clothes for them, the entire family, and
थैंक यू अगेन. अच्छा ये बताएं परखा क्या है, जैसे आपने कहा ना क्लाइंट, तो उनका स्टफ वगैरह सब कुछ आप खरीदती हैं, वो सिर्फ अपने माइंड की जो भी चीज है वो आपको एक्चुअली होता है कि व्हेन दे कम टू मी पहला क्वेश्चन मेरा होता है कि व्हाट इज द ओकेजन जिस पे आपको पहनना है. एंड वो जब मुझे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि ऐसा ऐसा ना, जस्ट यू नो आई बिकम अ बिट फ्रेंडली तरह से आई जस्ट आस्क देम व्हाट इज पर्सनली आपको पसंद है. नहीं, आई डोंट मेक जो मैं लेट्स से असल सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं रेप्लिका अपने कपड़ों को ही नहीं करती. लाइक मेरे पास वन पीस होती है हर चीज की, और अगर इनको आई स्टडी द पर्सन, जो पर्सनालिटी आ रही होती है उन पे क्या सूट करेगा जो मेरे जहन में, आई स्केच इट एंड देन इफ दे थिंक इट्स गुड तो हम उसको कैरी ऑन करते हैं. कलर वगैरह हाँ, कलर मैं उनसे एक दफा पूछ भी लेती हूँ आपको पर्सनली क्या पसंद है. अगर कोई मतलब डिपेंड करता है क्लाइंट क्या कह रहे हैं, जो मुझे लगता है उन पे सूट नहीं करेगा आई टेल देम दैट नॉट दिस, आई थिंक आपको ये कलर ट्राई ऑन कर लें, या कोई चीज अगर मेरे पास स्टूडियो में होती है ना टेल देम आप ये पहन के दिखाओ, और वो उन पे इतनी अच्छी लग जाती है दैट दे एंड अप बाइंग दैट ओनली. सो ये दिस इज हाउ आई वर्क. ये तो बहुत जबरदस्त स्टाइल है, इससे तो काफी सेटिस्फेक्शन भी होती होगी उनकी भी, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं ना, मैं समझती हूँ फैशन डिजाइनर और डॉक्टर्स एक ही जैसे होते हैं. True. क्योंकि लोगों को जब तक क्लाइंट अपनी पूरी तफसील बता ना दे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती. तो आप भी यू मस्ट बी अ गुड लिसनर टू. Yes, you are a good speaker. I'm more of a good speaker, but yes, of course, मैं I do listen to the जो उनकी demands हैं, जो उनको चीज चाहिए पसंद है. लेकिन जहाँ मुझे लगे कि एक चीज़ उनपे suit नहीं करेगी और वो मुझे force करेंगे, तो I do tell them ठीक है, अब आपकी मर्जी. कुछ बुरे कमेंट्स हैं डोंट पुट इट ऑन. मैंने ये बता दिया, आप बोल देगा, आप ये भी मत बताएगा न्यू ड्रॉप्स के कपड़े आपस कहेगा ये मैंने खुद बनाए यू नो. लेकिन यूजुअली क्लाइंट्स मेरे बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उनको खुद देखते हैं. आई हैव दिस मिरर जिसमें वो खड़े होके आई पुट देम, मैं फोर्स करके कि आप प्लीज ये अपने ऊपर रख के देखें एंड एंड अप वो अच्छे इसी तरह हो जाता है. अच्छा एम्स क्या है अब इन फ्यूचर? I don't know, just, you know, a lot of design things. कि आपने aims को कुछ मेरे aims every minute change हो रहे होते हैं, वो बड़े से बड़े से और बड़े होते जा रहे होते हैं. लास्ट शो पे मुझसे पूछा सो where do we see परखा खान इन फ्यूचर, आई सेड President of Pakistan, you'll see me there. Oh, so, really? No, but my aims are, like I told you, big jumps and everything. Jabki meri feel nahi thi to organize an event, I did that apne designers ke liye and everything. So, inshallah, somewhere good, somewhere bright, and somewhere more happening. This is next. Aur next, aapka fashion show, kab hum dekhne ja rahe hain? In somewhere near soon. Future? Somewhere near before 2013 inshallah. 2013 यानी कि अब ये तो समर आ गया, विंटर कलेक्शन पर ये होगा होपफुली. है ये तो बहुत जबरदस्त. अच्छा वैसे परखा और लाइफ में क्या अचीवमेंट के लिए सोचा हुआ है एक डिजाइनर के अलावा? I have done, mashallah, okay. I have done a lot on my record. मैं एक swimmer थी, I was a team captain, then I switched to speeches, then I switched to architecture, then I switched to fashion. And अब like I think when I जब मैं कुछ चीज़ देख रही होती हूँ, अच्छा I've done this. I used to write poems, then I used to, I don't know, I've, you know, I just don't know. कुछ नया मुझे ढूंढना पड़ेगा अपने लिए. तो क्या वैसे क्या करती, क्या हैं आपकी hobbies, क्या हैं? I don't get time nowadays. Last one year मेरे पास कुछ भी time नहीं है. I'm just working, working. अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो क्या करेंगी? I'll swim. Oh. Yeah. I would want to. But you know, honestly, I don't get time. I mean, क्योंकि मैं आपको बताया बाहर के clients होते हैं, उनकी सुबह हमारी रात, वो time clash इतना हो जाता है, so. वो definitely आपका routine ही बिल्कुल out हो जाता है. Nowadays, yes. Last one week, it's a very, very tough routine. But this is about it. That's it. अच्छा और जो आपने अभी नाम लिया आपके वार्डरोब को, आपने क्या नाम दिया है परखा खान के वार्डरोब का? मेरे नाम परखा का मतलब होता है ड्यू ड्रॉप्स. ड्यू ड्रॉप्स तो मेरे ब्रांड का नाम है ड्यू ड्रॉप्स कोट्योर. ओह ग्रेट, ये तो बहुत ही जबरदस्त आपने बात बताई. और फिर अगर जितने लोगों को फेसबुक पे देखना है, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इट, वो लोग ड्रेसिंग रूम को टाइप कर सकते हैं. अच्छा ड्रेसिंग रूम www.facebook.com के बाद स्लैश करके ड्रेसिंग रूम पीके कर दें, पीके इज परखा खान. सो दे कैन डायरेक्टली कम टू माई पेज, या मेरा फैन पेज है परखा खान. तो एक दफा दे कम टू इट, दे विल सी हाउ मेनी अदर थिंग्स आर देयर. और ये है कनेक्शन. अब टाइम बहुत ही मुख्तसर सा चुके रह गया, तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत थोड़ी छोटे छोटे से सवाल आप भी कर लेती हूँ, है ना. अब ये बताइए कि आप जिस तरह से एक मुकाम पे पहुँच गई हैं, तो आप क्या समझती हैं कि मीडिया या न्यूज़पेपर या मार्केटिंग के वो कौन से सोर्सेज हैं जो एक फैशन डिज़ाइनर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं उसके लिए, उसके बिजनेस के लिए, और उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित, फ्रूटफुल साबित? आई थिंक डिज़ाइनर के अपने टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग
वो सबसे पहले आती है कि डिजाइनर खुद किस तरह देख रहा है. आप किसी पे छोड़ नहीं सकते. मैं किसी मीडिया को नहीं कह सकती जी आई एम सिटिंग आप मुझे प्रमोट करें. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. आप कोई ऐसी चीज लेकर आए, नई चीज लेकर आए, कुछ अपने पैकेजेस बनाए, उसके बाद ही आपको मीडिया कवर करता है, न्यूज पेपर करता है, एंड देन द मार्केटिंग टीम एक्चुअली कम्स टू यू दैट हम इस तरह से इसको और ज्यादा मार्केट कर सकते हैं. लेकिन पर्सनल आइडियाज आपके अपने होते हैं. और किस हद तक आप कंट्रीब्यूशन देंगी आपके जो टेलर हैं, मास्टर्स हैं, आपके जो कारीगर हैं जो आपके एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उन सबको किस हद तक आप देंगी कि जी इनका कंट्रीब्यूशन अगर इतना होगा तो फिर आप एक अच्छा डिजाइन. आई थिंक 100% बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग योर सेल्फ. मैं ये नहीं कह सकती मैं सीऊँ भी खुद, मैं कारीगरी भी खुद करती हूँ. आई थिंक मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ हर दूसरे दिन. डेफिनेटली क्रेडिट जाता है एंड आई थिंक वो आपके एसेट्स होते हैं. कोई भी आर्किटेक्ट के लिए उनके मजदूर, आर्किटेक्ट के लिए उनके मजदूर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो ईंटें रखते हैं. तो एज ए डिजाइनर मेरे लिए मेरे कारीगर आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा आपने परका खान. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो. और आप बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की. अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे. मैं आपके साथ है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. और आपसे सबसे आखिर में हमेशा की तरह यही कहूंगी अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के पान. Thank you.